आदमी, तीनों नहीं, जितना लोग है, जितना हम बेटियां हैं, हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। उन लड़के की वजह से, आड़ा गुंडा की वजह से हम लोग मतलब घर में बैठे रहते हैं। कितना दिन बैठे घर में, पढ़ने नहीं जाए, कॉलेज छोड़ दे कि स्कूल छोड़ दे, उस सबके डर से नहीं छोड़ेंगे। हमको अन्याय चाहिए, हम वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। हमें प्रशासन से यही है कि मतलब उस सबके कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदिर से पूजा कर लौट रहे तीन छात्राओं के साथ छेड़खानी व मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर तीनों छात्राओं ने हरलाखी थाना पहुंच शिकायत किया, जहां पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्राओं ने कहा कि बीते सोमवार को घर से कल्याणेश्वर स्थान कलना पूजा करने गई थी, जहां बगल के गांव के कुछ मनचलों ने छेड़खानी शुरू कर दिया। मनचलों के डर से हम लड़कियां मंदिर में जल्दी जल्दी पूजा कर टेम्पो पकड़ घर की ओर निकल गए, जहां रास्ते में करुणा चौक पर करुणा गांव के ही मोहम्मद इलियास कवारी का पुत्र अशरफ कवारी व फेकन धुनिया का पुत्र बसीम धुनिया ने घेर कर जबरन छेड़खानी व मारपीट किया, जहां हम लोगों का कपड़ा भी फाड़ दिया और गले में पहने जेवरात व आभूषण भी छीन लिए। इसके बाद किसी तरह जान बचाकर हम लोग हरलाखी थाना गई। थाना में शिकायत दर्ज कराने के बाद घर जाकर परिजन को सारी बात बताई। पिताजी घर पर नहीं है, इसलिए हमें घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। बताते चले कि पीड़ित छात्राओं ने यह भी बताया कि जब हम लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो कई दिनों से रास्ते में छेड़खानी करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग भी करने का आरोप लगाया है। लड़कियों ने पुलिस से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच बता रही है। उधर समाज सेवी दीपशिखा सिंह, बिट्टू कुमारी मिश्रा, गुड़िया साह व जाप नेत्री प्रिया राज समेत सामाजिक संगठन के लोग पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने कहा कि बेटियों को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और ऐसे समाज में घिनौने काम करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने कहा, प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है, जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जो है स्कूल जाते हैं तो वो सब टॉर्चर करते हैं, वो बोलता है कि मर्डर कर देंगे। अच्छा, स्कूल जाते हैं तो रास्ते में टॉर्चर करता है, छेड़खानी करता है जी। कितने लड़का रहता है? दो लड़का छेड़खानी करता है। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? उच्च माध्यमिक विद्यालय करना। तो छेड़खानी करता है जी। तो कितने दिन से कर रहा है वो? 10-15 दिन से कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? उसको मतलब सजा मिलना चाहिए। हम लोग 10 बजे पूजा करने गए थे, तो उधर से वापस लौटने वक्त में मतलब दो लड़का गाली गलौज किया, तो हम लोग मतलब एक थप्पड़ मारे तो हाथापाई हो गया। वहाँ पे मतलब मेला का दिन था, वहाँ पे बहुत आदमी भीड़ भाड़ था, तो वही का टेम्पू वाला और मेला का लोग जो जितना लड़का था सब मतलब पुरुष जितना था वो सब पीट पाट किया, और वो लड़का वसीम और अशरफ जो था बोला कि हमसे अल्लाह का सब हमको माफ़ कर दीजिए, जो हो गया सो गलती हो गया हमसे। तो हम लोग वहाँ से आ गए, हम लोगों को भी वहाँ के लोग सब समझा दिए, बोलो जी चले जाओ। तो हम लोग भी आ गए वहाँ से, हम लोग सब तब टेम्पू पकड़ के आ गए वहाँ से। उसके गांव में 3:30 लगभग इतना बज रहा था, हम लोग के पास घड़ी भी नहीं था, तो वहाँ पर घेर के हम लोग के उतरे, वहाँ पर पीटा और गला पकड़ के मंगलसूत्र और गहना सब छीन लिया। और उसके गार्जियन मतलब समझाने के वजह से समझाया नहीं और उल्टे मतलब भराठा लेकर के हम लोगों को मारने आ रहा था। और तब हम लोग वहाँ से आए, घर पर भी नहीं आए और थाने चले गए, थाने पर मतलब रिपोर्ट लिखा दिए। और तो बोले कि अच्छा, ये लोग मंदिर पर छेड़खानी किया आप लोगों के साथ? कितने लड़की साथ में थी? 3 और मैं मतलब मेरी भतीजी लोग छोटी छोटी थी, बहुत बच्ची लोग थी, और मतलब जवान में 2 ही मेरी भतीजी। मतलब बदतमीजी ज्यादा किया? हाँ। क्या कुछ बोला? मतलब बोल रहा था कि कहीं भी जाएंगे तो मर्डर कर देंगे, 10 साल होगा, 10 साल में बदला ले लेंगे, ये रास्ता बंद करवा देंगे, इस रास्ते से कभी नहीं आने देंगे, कॉलेज आएगी, मेरी भतीजी लोग बोल रही थी कॉलेज आएगी तो मतलब मिट्टी में मिला देंगे, दफना देंगे, चाहे अपहरण करा। आदमी तीनों नहीं, जितना लोग है, जितना हम बेटियां हैं, हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। उन लड़के की वजह से, आड़ा गुंडा की वजह से हम लोग मतलब घर में बैठे रहते हैं। कितना दिन बैठे घर में, पढ़ने नहीं जाए, कॉलेज छोड़ दे कि स्कूल छोड़ दे, उस सबके डर से नहीं छोड़ेंगे। हमको अन्याय चाहिए, हम वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। हमें प्रशासन से यही है कि मतलब उस सबके कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।
देश के जितने भी लड़कियां हैं वो सब भी सुरक्षित रहना चाहिए। और आज हम लोगों को मतलब अन्याय मिलेगा तो आप लोग अन्याय की मांग करते हैं। हाँ हाँ, अन्याय की मांग करते हैं, उसकी कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। वो बोलते कि कॉलेज छोड़ा देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, मर्डर कर देंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं पे मर्डर कर देंगे, ऐसा बोलता है। हाँ।